कट्टरपंथ विरोधी सेल बनाने का वादा गुजरात के लिए किया गया है और अगर ये कामयाब रहा तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आदिल हसन साहब, AIMIM के आप प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता गोपी घांघर ने असदुद्दीन ओवैसी से इस मसले पर बातचीत की तो कैसे बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने बिल्किस बानो के मुद्दे को छेड़ते हुए यह भी सवाल पूछ लिया कि महात्मा गांधी के कातिल किस श्रेणी में आते हैं। सुनिए, ये बताइए, अमित शाह ने यह कहा कि कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि कौन है कट्टरपंथी। जिस तरीके का मैनिफेस्टो में, गुजरात के मैनिफेस्टो में जो कानून लाने की बात की गई है, वो पूरे देश के लिए लागू कर देश में भी लाया जाएगा। तो उनकी पार्टी में एक MP है जिसने हेमंत करकरे को कहा कि मैंने शराब दिया और मर गया, और जबकि हेमंत करकरे को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने मारा। उनकी BJP में एक MP है जिसने नाथूराम गोडसे को हीरो कहा, जो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। तीसरा, भाजप ने बिल्किस बानो के रेपिस को उसकी बेटी की हत्या करने को छोड़ दिया, वो कट्टरपंथी है। नरोड़ा पार्टियां में जो 92 मुसलमानों का मर्डर किया, लाइफ इंप्रिजमेंट हुआ, बेल पे निकला, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, उनको बैन करेंगे क्या? और जितने जो धर्म संसदों में जो गालियां दी जा रही हैं, जिनको सपोर्ट है RSS का, उनको करेंगे क्या? ये बताना पड़ेगा उनको। ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते हुए सबसे पहले गौरव भाटिया जी, सवाल आपसे ही। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, वो पूछ रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें दूसरी तरफ भी तो हैं, केवल इसी तरफ का क्यों नजर आता है? RSS को समर्थन वाले कट्टरपंथी ताकतों को भी रोकेंगी क्या बीजेपी? ये सवाल सीधा उन्होंने पूछा है आपसे। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो बहुत गर्व की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के प्रति और कट्टरपंथी जो सोच है उसको भारत से खात्मा कर देंगे, ये संकल्प उठाया है। और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा है जिसके दो बिंदु मैं सारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। मैं समझता हूँ एक गर्व की बात है कि एक पार्टी है जो नागरिकों के बारे में सोचती है और जो कट्टरपंथी सोच है उसको खत्म करना चाहती है, और कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है। दूसरा, आप बताइए, आप ओवैसी जी की बातों पे मुझसे कह रहे हैं मैं टिप्पणी करूं, मैं तो ये कहूंगा इनकी पार्टी के नाम में मुस्तबीन आता है जो गैर संवैधानिक है। याकूब मेमन, ये देखिए, याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान था। आप बताइए, एक आतंकी जिसको फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय देता है, ये कैसे सांसद हैं चित्रा जी जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान को ही तार तार करते हैं? याकूब मेमन को क्या फांसी की सजा इसलिए हुई थी क्योंकि वो मुसलमान था? और ये जहां जाते हैं केवल नफरत की बातें करते हैं, जहर उगलना ही इनका काम है। और इसीलिए चित्रा जी ये उत्तर प्रदेश भी गए थे, याद करिए, 100 सीटों पे चुनाव लड़ी इनकी पार्टी, 99 पे जमानत जब्त हो गई। ये अपने आप को केवल मुसलमानों की पार्टी बताते हुए मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 14-15% मुसलमान आबादी है, उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया, 100 में 99 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। एक बड़ी बात मैं कर दूं, देखिए फर्क क्या आया है, आप याद करिए, PFI है ये वो संगठन है जो केवल नफरत फैलाता है, इसको बैन करने की क्षमता इच्छा शक्ति किसी में नहीं थी। अमित शाह जी ने बैन लगा के दिखाया और ऐसा बैन लगाया है कि आज थर थर कांपते हैं हमारी पुलिस से, हमारी सेनाओं से, और यही होना चाहिए। इसीलिए गुजरात की जनता और भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।